डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर्स में हमने फोर ब्रांचेस केमिस्ट्री की स्टडी की थी, आज हम रिमेनिंग ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फर्स्ट ब्रांच आज के लिए, मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को आपको बताते हैं कि इसमें किस कौन सी चीज़ों का मुताला किया जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसका मेन कंसर्न किन चीज़ों से होगा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जी बच्चों, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैसे कि आपको इसके वर्ड्स इंडस्ट्री से, यानी कारखाने में जो केमिकल कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं उनकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में लाते हैं। तो इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जो ब्रांच की डेफिनेशन हो सकती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वो स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। जी बच्चों, तो इसमें केमिकल कंपाउंड जो तैयार किए जाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स की बात करना चाह रहे हैं, केमिकल कंपाउंड्स जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ऑन कमर्शियल स्केल, यानी तजारती पैमाने पर, यानी फरोख्त करने के लिए कमर्शियल स्केल पर, उनका जिक्र इसमें किया जाएगा। कमर्शियल स्केल बच्चों, वो कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कमर्शियल स्केल पे तैयार किए जा रहे हैं? जैसे कि हम बात कर सकते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन बच्चों, इसी तरह हम क्लोरीन को तैयार करते हैं, नाइट्रिक एसिड को हम तैयार कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 उसका फार्मूला है, नाइट्रिक एसिड हम बना रहे हैं, तेजाब होता है। इसी तरह हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है बच्चों वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आपने देखा कि ये जो हमारे पास सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे जो है कारखाने में, यानी कमर्शियल लेवल पर तैयार किए जाते हैं। तो इसीलिए इस ब्रांच का जो मेन कंसर्न है वो केमिकल कंपाउंड्स की तैयारी है। किस स्केल पर? कमर्शियल स्केल पर, यानी कि तजारती पैमाने पर किया जाता है। तो उसमें हमारे पास सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं, इनसे मज़ीद प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, मसलन पेंट्स भी बनाया जाता है, तो मेडिसिन भी बनाए जाते हैं। यानी कमर्शियल स्केल पर इस्तेमाल होने वाले जो कंपाउंड्स हैं उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मतलब द मेन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वो स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपने देखा कि इसमें डिफरेंट केमिकल्स तैयार किए जाते हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि ऑक्सीजन बनाते हैं, क्लोरीन को प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और बहुत से ऐसे कंपाउंड जो हैं जो कमर्शियल स्केल पर तैयार किए जाते हैं वो इस ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें ब्रांच हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जी बच्चों, तो इस ब्रांच में जो चीज़ें स्टडी की जाती हैं उसमें हम जिक्र करेंगे न्यूक्लियर प्रोसेस का, प्रॉपर्टीज़ का और रेडियो एक्टिविटी के हवाले से बात करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। जी बच्चों, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडिएशन जो एमिट्स होती हैं, द प्रोसेस इन विच रेडिएशन आर एमिटेड इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेस में और प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम इसको कंसर्न करते हैं, जो मेन कंसर्न इसका हम करते हैं स्कोप के लिहाज से। आपको पता होगा पाकिस्तान में प्लांट्स मौजूद हैं जिसमें हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर जनरेशन जो है वो की जा रही है, पावर जनरेशन, रेडियोथेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, और बच्चों इसमें जो हम स्टडी कर सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को, उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, सो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड।
जी बच्चों, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इससे पहले हमने स्टडी किया है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अब हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जी बच्चों, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे कि इसका नाम है माहौलियाती कीमिया, यानी माहौल से रिलेटेड जो बातें हैं, जिसमें हम पोल्यूशन का जिक्र कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वो स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरमेंट, यानी कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। इनको स्टडी करते हैं कंपोनेंट और ह्यूमन एक्टिविटी जो हैं, जो माहौल पे असर अंदाज होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट और ह्यूमन एक्टिविटी जो हैं, जो माहौल पे असर अंदाज हो सकती हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं गैसोलीन जो है, अदर केमिकल इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम इसके अलावा और बहुत सारे कंपाउंड जो हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास जो केमिस्ट्री में ब्रांच है उसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। कुछ इसके बाद लास्ट ब्रांच जो हमारे पास मौजूद है आज के लेक्चर में वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। जी बच्चों, एनालिटिकल केमिस्ट्री तजज़ियाती कीमिया, इसमें बच्चों हम सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है, उसकी अमाउंट को चेक करना है, उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोजन। जी, तो इस ब्रांच में जो एनालिसिस किए जाते हैं, यानी सेपरेशन से रिलेटेड, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, यानी सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को, और आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, तो इस एनालिटिकल केमिस्ट्री को एनालाइज करने के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में और क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो बच्चों, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं उसमें हम कहते हैं वो डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वी नो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और बच्चों दूसरी क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन हम क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो चेक करते हैं, क्वालिटी को देखा जाता है, क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस, क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस के साथ साथ हम वर्ड यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, आइडेंटिफाई किया जाता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनकी क्या अमाउंट होती है, तो यूं हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस को एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है स्टडी करते हैं। द ऐसी ब्रांच जिसमें सेपरेशन और एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने चार ब्रांचेस स्टडी की हैं, इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री थी हमारे पास, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है और एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो बच्चों, इसको आपने त्याग करना है ब्रांचेस को और राइट करना है। आज का लेक्चर हमारा ये कंप्लीट हुआ, ब्रांचेस भी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अल्लाह हाफिज़।